वैसे तो राजस्थान वीरों की धरती कही जाती है, लेकिन इस राज्य की ऐसी भी कुछ दफन कहानियां हैं जिनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को होना अनिवार्य है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो अपने वचन पर अडिग रहा और अपनी शादी के मात्र 3 फेरों से ही अपने वचन पालन के लिए युद्ध भूमि में जाकर शहीद हो गया। यही नहीं, राजस्थान में आज उन्हें पशु रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये कहानी है बाबूजी राठौर की, जिनका पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। बाबूजी का जन्म संवत 1313 में जोधपुर जिले में फलौदी के पास कोलू मंड नामक गांव में हुआ था। बाबूजी को उनके वचन पालन के लिए खास तौर पर जाना जाता है। दंत कथाओं के अनुसार बाबूजी का विवाह अमरकोट के सोढ़ा राणा सूरजमल की पुत्री के साथ तय हुआ था। वीर बाबूजी राठौड़ ने अपने विवाह में फेरे लेते हुए सुना कि डाकू एक अबला देवल चारणी की गायों को हरण कर ले जा रहे हैं। उन्होंने उस महिला को उसकी गायों की रक्षा का वचन पहले ही दे रखा था। गायों के अपहरण की बात सुनते ही वे आधे फेरों के बीच ही उठ खड़े हुए तथा गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसी कारण बाबूजी को गायों, ऊंटों एवं अन्य पशुओं का रक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्हें प्लेग रक्षक भी माना जाता है। पशु के बीमार हो जाने पर ग्रामीण बाबूजी के नाम का धागा पशु को बांधकर मनौती मांगते हैं। मान्यता है कि इससे पशुओं की बीमारी दूर हो जाती है। राजस्थान के पंचपीर में बाबूजी का भी नाम शामिल है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।